नोएला पर्ड है क्योंकि इसका पूरी तरह से हम मॉनिटर कर रहे थे, इसकी मूवमेंट पैटर्न्स हम ट्रैक कर रहे थे पिछले 15 दिन से, और हमने बिल्कुल एस्टैब्लिश करके रखा हुआ था इसकी जो हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए पैरामीटर्स फिक्स किए थे वो हमने ऑलरेडी एक साइंटिफिकली इसको हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। और जब सुबह इसको हमने ट्रैप किया और हमें वो सारे मेजर्स जो हैं उसके साथ मैच करने के बाद हमें पता चला कि वही लेपर्ड है, लेकिन फिर भी जो है साइंटिफिकली इसको प्रूव करने के लिए हमने डीएनए एनालिसिस के लिए भी अर्लियर स्कैट और ये वाला आज का जो है ब्लड सैंपल भेजा है और इंशाल्लाह वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। 99% अभी तक जो है ये वही लेपर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल था उस दिन की जो किलिंग में। सर लगातार जो लेपर्ड्स है पिछले 5-6 दिनों की बात करेंगे तो लगातार जो लेपर्ड्स है वो अब बस्तियों में आना शुरू हो गए। आज सुबह की बात करेंगे शुपया के पीडीटी ऑफिस में एक बच्चे को वहां पे पाया गया है, तो क्या कारण हो सकता है सर इनका? कारण तो ये तो जब से इंसान और वाइल्ड एनिमल्स अपनी जो स्पेसेस शेयर करने लगे हैं 300 साल 400 साल तब से ये चीज़ें हो रही है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। जंगली जानवरों का और इंसानों का जो है ये स्पेस शेयर करना काफ़ी पुराना है। अब आपको इस वक्त पता है कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत तेज़ है, छोटा सा छोटा जो ये इंसिडेंट होता है तो जल्दी पता चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात है। जैसे जंगलों के नज़दीक जैसे आबादियाँ हैं वहाँ पर लोगों के लिए एक आम सी बात है। हाँ अब जब शहरों में कभी कभी ये देख जाता है तो लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं उस मामले में। हाँ हम कहते हैं कि जो लेपर्ड्स हैं लेपर्ड्स की थोड़ा बस्तियों में जो है इनका जो डॉग का अवेलेबिलिटी हो गया, ट्रैश मैनेजमेंट का जो सही हमारे पास ये नहीं है उस वजह से इनका आए दिन देखना हमें मिल रहा है। उसमें ये है कि हमने एडवाइजरीज लोगों को दी हैं उसमें एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि जब तक जितनी जी अट्रैक्शन लेपर्ड की जो कम हो जाएगी, चाहे उसका कवर चाहे उसका फूड है उसका जिस हद तक जो हम उस पर कवर मेंटेन करेंगे उस हद तक जो है हम इसको डैमेज को मिनिमाइज कर सकें। सर पिछले कई हफ्तों से लोग यहाँ पे डरे हुए हैं सहमे हुए हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए, खासकर वो लोग जो फॉरेस्ट एरियाज उनके नज़दीक रहते हैं उनको क्या कर एहतियात क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, ये डरने वैसे वाली बात नहीं है, हमें पैनिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स पहले हुए हैं लेपर्ड का ख़ासतौर पर या कहीं रिपोर्टिंग हुई है या कहीं पहले हमने वहाँ पे कोई रेस्क्यू किया हुआ है तो वहाँ पे हो सकता है चांस, क्योंकि वहाँ पे कोई अट्रैक्शन ऐसी होगी या कोई कवर होगा या कोई फूड होगा जिसकी वजह से लेपर्ड्स वहाँ आते होंगे। तो उसके लिए हमने जो डूज एंड डू नॉट्स हैं हमने पब्लिश किए हैं प्रिंट से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से जिंगल्स किए हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर किए हैं, तो उस पर अगर हम लोग एडहियर करेंगे, जैसे कि मैं कुछ उसमें से आपको ये बताऊंगा कि लेपर्ड का जहाँ पे आना जाना देखा गया वहाँ पे बच्चों को सुबह और शाम के वक्त जहाँ पे जब इसकी मूवमेंट काफ़ी रहती है तो उस वक्त जो है बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, उनको अपनी देख रेख में जो है बाहर अगर निकल भी हो तो 2-4 लोग साथ में रहें, अपने घर के इर्द गिर्द जो है झाड़ियाँ जो हैं उनको साफ रखें और अच्छा खासा लाइट का इंतज़ाम रखें घर के बाहर, और अगर बाहर निकलना भी हो तो कोई लाइट वगैरह का सिस्टम अपने हाथ में रखें और थोड़ा सा 1-2 बंदे साथ में जाएं और कोई ख़ास मखसूस ट्रैक पर ही चले, कोई शॉर्टकट्स वगैरह ना ले। डॉग्स और जो भी ट्रैश हैं उसको मेंटेन अच्छी तरह से जो है उसको मैनेज करें, और जब पोल्ट्री अगर किसी ने पाली हो या किसी ने ऐसे पेट्स पाले हों उनको शाम के टाइम अंदर रखें, और किसी का लाइफ स्टॉक बाहर हो तो उसको अच्छे शेड्स में रखें, तो ऐसी चीज़ों से जो है ना डैमेज काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। सर अभी जो पिकनिक जो पीक सीजन है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं सैर तफरी के लिए लोग भी जाते हैं, चाहे पहलगाम की बात करें, दूध पथरी की बात करें या गुलमर्ग का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो
उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? नहीं, एक नेचुरल इकोसिस्टम में तो ये काफी हद तक जो है ये ऐसी चीजें नहीं होते हैं। आपने देखा होगा हमारा दाचीगाम का एक नेचुरल लैंडस्केप है, वहाँ पे हमारा आना जाना रोज का रहता है, लेपर्ड्स है वहाँ पे, कोई कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं, एक इकोसिस्टम में वो अच्छी तरह से रहते हैं, वहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। थैंक यू।